الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ رجب کا مہینہ لوگ اس کو زکات کا مہینہ کہتے ہیں یہ مہینہ زکات کا نہیں یاد رکھیے گا یہ ہماری زبانوں پہ اس مہینے کا نام ایک بڑا غلط سا نام لگا ہوا ہے کہ یہ زکات کا مہینہ ہماری شریعت میں زکات کا کوئی مہینہ مقرر نہیں جب سال ہو گیا مال کو زکات ادا کر دو اب کسی آدمی پر اگر محرم میں زکات فرض ہو گئی اور وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ زکات کا مہینہ آئے گا تو میں زکات دوں گا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا آپ کی ہمیشہ سے عادت تھی آپ جب بھی نیا چاند دیکھتے آپ دعا فرماتے عربی کے الفاظ ہیں اس دعا کے کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان اللہ اس نئے چاند کو ہمارے لیے خیر کا بنا ایمان کی سلامتی کا بنا
यकीन का बना। वस्सलामत वल इस्लाम, सलामती का बना, हिफाजत का बना। व तौफीक, तौफीक का बना कि हम एक दूसरे की खैर खाही कर सकें। लिमा तुहिब्बु व तरदा, और जिस चीज़ में तू राज़ी होता है इस महीने में हमें वो बातें बता सिखा कि जिनसे हम तुझे राज़ी कर सकें। जब रजब का महीने का चांद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो दुआ फरमाई, इसके साथ आगे दुआ की, अल्लाह तेरा महीना आने वाला है जिसको रमज़ानुल मुबारक कहते हैं, सेहत व तंदरुस्ती और ईमान की सलामती के साथ ये महीना, इससे अगला महीना भी नसीब फरमाकर मुझे रमज़ान का महीना भी नसीब कर देना। इसलिए कि अब रमज़ानुल मुबारक दूर नहीं, खैर और भलाई का महीना आने वाला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के चांद को देखकर ये दुआ फरमाई। हमें तो न दुआ आती है और अल्लाह की शान है कभी चांद नजर ही नहीं आया जो हम देख के दुआ कर रहे, ना मुसलमान को चांद देखने की आदत है। इस माह मुबारक में हजरत अली करमल्लाहु वज्ह पैदा हुए, ये हजरत अली के पैदाइश का महीना है। अगर इस्लाम के अंदर बर्थडे मनाने का रिवाज होता तो शायद मैं भी मनाता कि हजरत अली की विलादत का दिन है। चूंकि इस्लाम में बर्थडे है नहीं, इसलिए हमें हजरत अली की पैदाइश के महीने और दिन का ही पता नहीं। हाँ, हमें अपने बच्चों की तारीख पैदाइश ज़बानी याद होती है, वो भी यहां आकर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस माह मुबारक में मेराज नसीब हुआ, आप आसमानों पे तशरीफ ले गए, ये मेराज का महीना है। इस माह मुबारक में सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की मौत का दिन है। आपको और किसी तरह समझ ना आए तो इस तरह समझेंगे कि इस महीने की चांद की 22 तारीख को लोग कुंडों का खत्म कराते हैं। ये कुंडे ना अरबी का लफ्ज है, ना कुरान का है, ना हदीस का है, पंजाबी का है, वो आप भी जानते हैं इसका माना क्या है, खुदा तेरा कुंडा करे। लेकिन मुल्ला मुलवंटे इस महीने में कुंडों का खत्म दिलाने को भी तैयार होते। जज़ाकअल्लाह। हजरत मुआविया की जो वफात का दिन है उस दिन में कुंडे का खुशी का खत्म होता है और रस्म उसके साथ ये होती है कि छुप छुप के अंदर बैठकर खाओ, उसे बाहर ले जाने की इजाजत नहीं होती। अल्लाह की शान है। और ये रस्म एक कंजरी ने शुरू की थी, कोठे पे बैठने वाली ने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर पे बैठ के कभी बात गलत नहीं करता हूं। एक कंजरी ने शुरू की थी ये रस्म कुंडे के खत्म की। मुबारक हो उन मुसलमानों को जो एक कंजरी की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं। नबी की सुन्नत तो हम पूरी करते नहीं, नबी के तरीके को तो हम अपनाते नहीं, कंजरी के एक तरीके को मुसलमान ने, मुल्ला ने, पीर ने अपना रखा है और इस महीने की 22 तारीख को मुसलमान कुंडों के नाम से ख़त्म दिलाते हैं और खाते पीते हैं। सूर खाना मेरा ख्याल है शायद इतना गुनाह ना हो जितना बड़ा गुनाह कुंडे के ख़त्म का माल खाना है, लोग खा रहे हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दो बातें मैं आज इसी पे आप हजरात के सामने अर्ज करूंगा कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, आसमान के सितारों की तरह, और दूसरी तरफ इरशाद फरमाया मेरी अहले बैत ये कश्ती नूह की तरह है कि जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठने वाले तूफान और सैलाब से बच गए थे, जिन्होंने मेरे अहले बैत से मोहब्बत की, अहले बैत से ताल्लुक रखा, ये फितनों के सैलाब से बच जाएंगे जिस तरह वो कश्ती में बैठने वाले बच गए। हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए, आप अहले सुन्नत वल जमात हो कहो, बोलो ना भाई हो के नहीं, कहो बेशक हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हम क्या हैं? मैंने अगले दिन एक जगह तकरीर करते हुए एक बात कही थी, वो मैं आप हजरात को भी कह देता हूं। किसी जमाने में घरों की किताब होती थी पंजाबी में, उस किताब का नाम था पक्की रोटी। ये गिरावा दे मुल्ला मुलवंटे किताब पढ़ने होने, गांव के लोग वो किताब पढ़ के मौलवी बन जाते, और वो किताब जो है वो पंजाबी में है और सवालों जवाब में होती है। सवाल पंजाबी च लिखे है, तेरा दीन नंगा के कजे है, तुआडा दीन हमारा दीन, क्या नाम है हमारे दीन का, जोर से बोलो, ये नंगा है कि कजावा है, ये सवाल है। जवाब है कि मेरा दीन नंगा है, इसको चादर मैंने पहनानी है। तेरा दीन खलोता है कि बैठा है, इस तरह सवाल आते हैं। फिर एक जगह सवाल आता है, तेरा मुड की है, तेरी इब्तिदा क्या है। फिर सवाल होता है कि तू कहां से आया है, तेरी उम्र कितनी है, तू कौन है। मैं इसलिए आप हजरात से कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे पूछता है कि तू कौन है, मैं कहता हूं मुसलमान, तो बात पक्की बनती नहीं। इसलिए कि मिर्जई भी अपने आप को मुसलमान कहता, उससे भी कोई पूछेगा तू कौन है, वो कहेगा मैं भी मुसलमान। रावजी भी कहता है कि मैं मुसलमान, उससे कोई पूछेगा तू कौन, वो कहेगा मुसलमान। खड़क के कहा करो, जब भी कोई पूछे तुम कौन, कहो अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान, कि हम वो मुसलमान हैं जो नबी की सुन्नत से प्यार करते हैं, हम वो मुसलमान हैं जो नबी की जमात से प्यार करते हैं, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत नबी के तरीके वाले, वल जमात नबी की जमात वाले। सिर्फ तरीके से काम नहीं चलता, नबी की जमात में शामिल होना पड़ता है। मैं अगर अपने कमरे में बैठकर नबी के तरीके पे अमल करता रहूं, घर में बैठकर नबी के तरीके पे अमल करता रहूं, लेकिन बाहर मैं मुसलमानों में शामिल नहीं होता, बाहर मेरे तरीके कुछ और हैं, मैं जमात में शामिल नहीं होता। जमात से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जो नमाज की जमात है, मैं मुसलमानों से कटावा रहता हूं, मैं मुसलमानों से दूर दूर रहता हूं। याद रखिए, बात नहीं बनती जब तक आप नबी की सुन्नत को भी साथ लेके रखो और साथ साथ मुसलमानों की जमात को भी साथ लेके रखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाह है अलल जमा, जब मुसलमान जमात बनते हैं तो उन पर अल्लाह का हाथ होता है। जब मुसलमान एक जमात बनते हैं, पार्टी नहीं, पार्टी ये दुनियावी लफ्ज है, ये लड़ाई झगड़े वाली चीज होती है। मुस्लिम लीग एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी नाम के अंदर ही पार्टी है, वो पार्टियां हैं, लेकिन मुसलमान एक जमात है।
यदुल्लाह अलल जमा, जब जमात बनते हैं मुसलमान तो उन पर अल्लाह का हाथ होता है। अब मैं अगर मुसलमानों से कट के रहता हूं, हदीस के अंदर फरमाया गया हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना और शीशा होता है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस तरह है कि अगर यहां कांटा चुभे तो पूरे जिस्म को दर्द होता है, एक मुसलमान को दर्द होता है तो दूसरे मुसलमान को भी दर्द हो, अगर उसे दर्द नहीं होता तो वो ये समझे कि शायद मैं मुसलमान नहीं, इसलिए कि मुसलमान की तकलीफ मेरी तकलीफ है, मुसलमान का दुख मेरा दुख है, मुसलमान की खुशी मेरी खुशी है, मुसलमान की गमी मेरी गमी है, अगर मैं मुसलमान के दुख दर्द में शरीक नहीं होता, उसकी खुशी में खुश नहीं होता, तो याद रखिए मेरे दोस्तों कोई फायदा नहीं कलमा पढ़ने का, हम धोखेबाज हैं। ये अल्लाह के पाक नबी का फरमान है, मुसलमान वो है कि जो दूसरे के दर्द को महसूस करता हो, जो दूसरे की खुशी को अपनी खुशी महसूस करता हो, अहले सुन्नत वल जमात। और अगर कोई जमात में है लेकिन नबी की सुन्नत में नहीं, अगर कोई जमात में है वो नबी की सुन्नत में नहीं, तो याद रखिए तो भी काम नहीं बनता। आप और हम अपने आप को अहले सुन्नत वाल जमात कहलाते हैं तो ये माना याद रखिएगा कि हम सिर्फ नबी की सुन्नत वाले नहीं, हम नबी की जमात वाले भी हैं। अहले सुन्नत वाल जमात के लिए ये जिस तरह हमारी दो आंखें हैं ना, एक आंख साहबा किराम है, एक आंख अहले बैत हैं। अगर मैं साहबा को छोड़ता हूं तो भी काना बनता हूं, अगर मैं अहले बैत को छोड़ता हूं तो भी काना बनता हूं। अंधे से काना जो होता है ना वो ज्यादा बुरा होता है, एक बंदे की दोनों आंखें नहीं खैर है, लेकिन अगर किसी की एक है एक नहीं, ये ज्यादा शैतान होता। मैं अगर सहाबा से मोहब्बत रखता हूं तो मुझे अहले बैत की कश्ती में भी सवार होना है, और अगर मैं अहले बैत की कश्ती में सवार होता हूं तो मैं आसमान के सितारों के बगैर भी नहीं रह सकता, मैंने उनको भी देखना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नबूवत का सूरज हूं। क्या हूं? जोर से कहो, मैं क्या हूं? नबूवत का सूरज हूं। लेकिन एक वक्त आएगा मैं भी अपने रोजे के अंदर चला जाऊंगा, जब तक मैं खड़ा हूं तुम्हें सितारों की रोशनी का पता नहीं चलेगा, जब मैं चला जाऊंगा फिर तुम्हें पता चलेगा अबू बकर का शान क्या है, उमर का शान क्या है, उस्मान का मर्तबा क्या है, अली का मकाम क्या है, बिलाल का मकाम क्या है। मेरे होते हुए शायद तुम्हें सितारों का पता नहीं चल रहा कि सितारे क्या हैं, लेकिन जब मैं रोजे में चला जाऊंगा तो फिर तुम्हें सितारों की कदर होगी, सितारे क्या हैं। इसलिए कि जब सूरज तुलू होता है आसमान से सितारे गैब नहीं होते, सितारे रहते हैं लेकिन उनकी रोशनी मान पड़ जाती है, वो होते मौजूद हैं, सूरज के होते हुए उनकी रोशनी नहीं होती, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है एक साथ ही सितारा निकल आता है, फिर दो निकलते हैं, फिर तीन निकलते हैं, फिर चार निकलते हैं, फिर दस बन जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फिर पूरा आसमान सितारों से रोशन हो जाता है, फिर जब सुबह होती है सूरज निकलने लगता है तो फिर सितारे अपनी रोशनी का बिस्तर गोल करके खड़े रहते हैं, लेकिन बिस्तर उनकी रोशनी का बिछता नहीं, जब सूरज गुरूब हो जाता है तो फिर उनका बिस्तर खुल जाता है और वो दुनिया को रोशनी देते हैं। कभी तनहा बैठकर सोचना कि हम आसमानी मखलूक तो हैं नहीं, हम आसमानी मखलूक, भाई आप आसमानी मखलूक हो, आसमानी मखलूक कौन है जोर से बोलो, हम क्या मखलूक हैं अल्लाह की, जमीनी, क्या हैं? जमीनी। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं,
कश्ती पानी की मखलूक है, सितारे आसमान की मखलूक हैं, और ये दोनों बातें कहीं हमसे जा रही हैं जो हम खुशकी के लोग हैं, हम जो मिट्टी के लोग हैं, हम जमीन के लोग हैं, ना हम आसमान के हैं कि हमें अल्लाह के रसूल आसमान के सितारों की मिसाल दें, ना हम समंदर और पानी की मखलूक हैं कि अल्लाह के रसूल हमें कश्ती की मिसाल दें। हम खुशकी के लोग हैं, हम जमीन के लोग हैं, लेकिन कुर्बान जाइए फिर भी अल्लाह के रसूल हमें ये दो मिसालें दे रहे हैं कि जब भी रोशनी लेनी हो मेरे बाद तो सितारों से लेना, और जिस तरह सैलाब आता है तो लोग बचने वाले, माल बचाने वाले, औलाद को बचाने वाले कश्तियों में सवार होकर सैलाब से बच जाते हैं। एक वक्त आएगा, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, एक वक्त आएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीह जिस तरह टूटती है दाने गिरते हैं, इस तरह फितने आएंगे, फैलते जाएंगे, फैलते जाएंगे। सुबह एक फितना होगा, शाम को दूसरा होगा, शाम को एक होगा, रात को दूसरा होगा, रात को और होगा, सुबह और होगा, दिन ब दिन फितने ही फितने, फितने ही फितने फैलते चले जाएंगे। कहीं कुरान का इनकार होगा, कहीं हदीस पैगंबर का इनकार होगा, कहीं फिका का इनकार होगा, कहीं अहले बैत का इनकार होगा, कहीं सहाबा का इनकार होगा, कहीं मौत का इनकार होगा, कहीं कब्र का इनकार होगा। दुनिया चल रही है इसी चीज़ के पीछे, और अल्लाह की शान है उनको मानने वाले भी मिल जाते हैं, जो फितना उठता है मानने वाले मौजूद होते हैं। फितनों से बचना, मेरे उन आसमान के सितारों की पैरवी करना। फितनों से बच जाओगे या मेरे अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाना, फितनों से बच जाओगे। याद होगा आपको गुज़श्ता जुमा से पेवस्ता जुमा, ये दो तीन जुमे में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु ताला से आपसे बात कर रहा था। हजरत अली चौथे खलीफे हैं ना, क्यों भाई जोर से बोलो, चौथे खलीफे हैं ना, चौथा खलीफा बनने में हजरत अली की शान घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। अगर वो पहले खलीफे बन जाते तो शायद वो शान न रहती जो चौथा खलीफा बनने में मिली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे में पड़े हुए थे कि अल्लाह ने मेरे सर पे नबूवत का ताज रख दिया था, मैं नबी बन चुका था, लेकिन आप आए कब, बने पहले और आए कब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आए, बने पहले, लेकिन अल्लाह ने नबूवत का पैगाम देकर सबसे आखिर में भेजा, तो सबसे आखिर में आने से शान घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। क्यों? आप खुद फरमाते हैं कि मुझे जो आखिर में भेजा गया वो इसलिए कि मैं पुराने सारे नबियों की तस्दीक कर दूं और पुरानी सारी किताबों की तस्दीक कर दूं। और मैं कई दफा आप हजरात को मिसाल देकर समझा चुका हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास नबूवत का कार्ड है, आईडी कार्ड है उनके पास नबूवत का, लेकिन उसके ऊपर जब तक दस्तखत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है, मूसा की नबूवत का कार्ड चल नहीं सकता। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी नबूवतों के कार्डों पे दस्तखत करने वाले हैं, फिर जाकर उनकी नबूवत सच्ची बनती है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहते हैं आप सबकी तस्दीक करने वाले, और तस्दीक करने वाला कौन होता है? जो दस्तखत करता है। आपने दस्तखत किए, बाद में आकर उनकी नबूवतों के कार्ड चले, शान बढ़ी घटी नहीं। हजरत अली चौथे खलीफे बने, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के कार्ड पर भी हजरत अली के दस्तखत हुए, उमर की खिलाफत के कार्ड पर भी अली के दस्तखत हुए, उस्मान गनी के खिलाफत के कार्ड पर भी अली के दस्तखत हुए। अली दस्तखत करते चले गए, वो खलीफे बनते चले गए।
जिम्मेदार अल्लाह ने हजरत अली को बनाया। तो शान हजरत अली की चौथे नंबर पे आने से बड़ी है, घटी नहीं है। हम हजरत अली को शेरे खुदा मानते हैं, कहो बेशक। हम हजरत अली को अपना सर का ताज मानते हैं, कहो बेशक। लेकिन हम हजरत अली को इस तरह ये कुत्ते रिछों की लड़ाई पे नहीं मानते कि कुत्ता जीत गया तो अली, रिछ जीत गया ते नारे हैदरी, दांतों की दौड़ हुई तो जीत गया तो हजरत अली, नहीं। इन चीजों से हजरत अली की शान घटती है, बढ़ती नहीं। इसलिए कि ये कुत्ते रिछ मलंग नंग धड़ंग ये हजरत अली का साथ नहीं है। हजरत अली इस महीने में पैदा हुए, हजरत अली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके चाचाजाद भाई। अब्दुल मुत्तलिब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। क्या थे ये तो आपने पढ़ा सुना है ना कि अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। कितने कितने बेटे थे? 10। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा हजरत अब्दुल्ला और हजरत अली के वालिद जिनको अबू तालिब कहा जाता, नाम उनका अब्द मनाफ था। असल उनका मां बाप की तरफ से नाम अब्द मनाफ था। अबी तालिब इस कुनियत से मशहूर हुआ कि हजरत अली के चार भाई थे, बड़े भाई का नाम तालिब था, जिसकी वजह से वो अबू तालिब कहलाए कि ये तालिब के अब्बा हैं। ये अरब में आम तौर पर मशहूर है कि बेटे की कुनियत से बाप का नाम चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत मशहूर है अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वाले अबुल कासिम कहते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम कासिम था, बेटे के नाम से बाप का नाम चला, लोग कहा करते थे अबुल कासिम। जनाबे अबी तालिब और जनाबे अब्दुल्ला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, ये दोनों एक ही मां से और एक ही बाप के बेटे थे, मां दोनों की एक थी। बाकी जितने चाचा थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, माएं अलग थीं, बाप एक था, माएं अलग अलग थी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की कई शादियां थी, जनाबे अब्दुल्ला और जनाबे अबी तालिब हजरत अली के वालिद, ये दोनों एक मां से थे। और अल्लाह की शान है, मैं कभी कभी खुदा की कुदरतों पे हैरान होता हूं कि हजरत आमना भी मदीने की थी, शादी मक्के हुई, और जनाबे अब्दुल्ला की अम्मा और जनाबे अबी तालिब की अम्मा ये भी मदीने की थी, शादी मक्के में अब्दुल मुत्तलिब से हुई। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वालदा भी मदीने पाक की हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी भी मदीने पाक की। ये अल्लाह पाक ने को मदीने से कनेक्शन जोड़ना था कि अल्लाह पाक मदीने के साथ ये निस्बतें जोड़ता चला गया है कि बाप मक्के से ताल्लुक रखे और मां मदीने से ताल्लुक रखे। आज भी हर मुसलमान जब तक मक्के मदीने दोनों से ताल्लुक नहीं रखेगा उसका ईमान पूरा नहीं होता। अगर कोई कहता मैं मक्के से मोहब्बत करता हूं मदीने से नहीं रखता हूं, तो याद रखो ईमान काबिले एतबार नहीं होता। और अगर कोई कहता है मैं मदीने से प्यार करता हूं मक्के से प्यार नहीं करता, तो याद रखिए तो भी ईमान काबिले एतबार नहीं। अल्लाह ने अगर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में पैदा फरमाया, तो अल्लाह पाक ने मदीने की मां देकर और दादी देकर उम्मत वालों को बताया कि तुम दोनों से जुड़े रहोगे तो काम बनेगा, अगर एक से भी कट जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ना दादी रहेगी ना मां रहेगी ना ईमान रहेगा। दादा के इंतकाल के बाद जब अब्दुल मुत्तलिब इंतकाल कर गए, जिन्होंने भी सीरत नबी पढ़ी है वो जानते होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की थी जब दादा का इंतकाल हुआ,
और अब्बा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके पैदा होने से पहले ही फौत हो गए थे, और अल्लाह की शान है दाद बाप की कब्र भी मदीने में थी, हजरत अब्दुल्ला भी मदीने में फौत हुए थे, अपने ससुराल गए थे वहीं फौत हो गए। तो दादा ने मरते वक्त अपने पोते का हाथ सके चाचा के हाथ में दिया कि हो सकता है कि मतरे चाचों के दिल के अंदर इतना प्यार ना आए जितना सके चाचे के दिल के अंदर अपने भतीजे से प्यार और मोहब्बत आएगी। और बात ऐसी हुई भी नहीं सिवाय दो चाचों के जिन्होंने नबुव्वत से इख्तिलाफ किया। एक इनसे बड़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताया चाचा थे जिनका नाम जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब था। जनाबी अब्दुल मुत्तलिब ने मरते वक्त जुबैर को काबे की मुतवल्लियत दी कि काबे का मुतवल्ली तू रहेगा, काबे की खिदमत तेरे जिम्मे रहेगी, काबे की कमेटी का चेयरमैन तू रहेगा, और जनाबे अभी तालिब के जिम्मे बाहर के काम लगाए कि बिरादरी के जितने उमूर हैं वो तेरे जिम्मे। और अपने पोते का हाथ चाचे के हाथ में देकर दादा इस दुनिया से रुखसत होते हैं। और फिर अबू तालिब ने वो हक निभाया, जनाबे जुबैर ने भी निभाया, हुजूर के दूसरे चाचों ने भी निभाया। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप हजरात को हजरत जुबैर के बारे में किसी ने नहीं बताया जो हुजूर के चाचा दूसरे भी थे। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई या 22 साल की थी तो काबे की तामीर हुई, तो काबे की तामीर में जितने मुशरिकीन मक्का थे वो नंगे होकर पत्थर लगाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, कहते थे कि हम इन कपड़ों से गुनाह करते हैं और फिर इन्हीं कपड़ों के साथ हम काबे का तवाफ करें या काबे की इबादत करें या काबे के इर्द गिर्द घूमें या काबे में ईंटें लगाएं, ये गुनाह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी गया तो मेरे चाचे ने मुझे कहा तू भी धोती उतार, अभी आप नबी नहीं बने थे, तू भी धोती उतार। और ये चाचा कहने वाला जुबैर है जो काबे के मुतवल्ली थे के भतीजे धोती उतारो। मैंने कमीज तो उतारी, मैंने कहा चाचा मैं धोती नहीं उतारता, तो मेरे चाचे ने बढ़कर आकर जोर से मेरी धोती उतारना चाही कि मैं नंगा हो जाऊं, इतने में मैं बेहोश हो गया, मुझे होश नहीं रहा, चाचा भी मुझे बेहोश होकर छोड़ गया। शाम हो गई, मैं बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब मजदूरों ने छुट्टी की उस वक्त मुझे होश आया तो देखा मेरी धोती सलामत थी, इसी तरह मैं भी उठकर अपने घर चलाया। सारा दिन मेरे अल्लाह ने मुझे पर्दे में सुला दिया, नबुवत नंगी नहीं हुई। ये मेरे पाक नबी की नबुवत से पहले की करामात में से एक करामत है। जनाबे अभी तालिब के घर के अंदर चार बेटे हुए, ये मैं तुम्हें अहले बैत की बात कर रहा हूं, हजरत अली के घर की। हजरत अली चार भाई थे, बड़े तालिब थे, दूसरे जाफर थे, तीसरे अकील थे, चौथे हजरत अली थे। इनकी एक बहन थी जिनका नाम हजरत उम्मे हानी है रजी अल्लाह ताला। चाचा गरीब बहुत थे, अभी तालिब गरीब थे, पैरों से माजूर थे, लंगड़े थे, आमदनी नहीं थी, बहुत गरीब थे। मक्के के अंदर एक छोटी सी इत्र की दुकान थी, खुशबुएं बेचते थे, लेकिन बिरादरी के सरदार थे, माल नहीं था। माल मक्के में अबू जहल के पास था, अबू सुफियान के पास था, अतबा के पास था, उतैबा के पास था, शैबा के पास था, अबू तालिब के पास माल नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दूसरे चाचा हैं जिनका नाम है हजरत अब्बास, सब कह दो रजी अल्लाह ताला। बड़ा बेटा अबू तालिब का जिनका नाम तालिब था, इनको चाचा से हजरत अब्बास ने मांगा कि चाचा तू गरीब है, मेरे घर में चार वक्त की रोटी पकती है, ये बच्चा मुझे दे दे, इसको मैं पालूंगा। तो जनाबे तालिब को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने लिया और पाला।
हजरत अली करम अल्लाह वजहो को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा से मांगा, ये मुझे दे दो, ये मेरे घर पलेगा, मैं पालूंगा, रोटी दूंगा, कपड़ा दूंगा, रिहाइश दूंगा, इसकी हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा। तो हजरत अली को हुजूर ने मांगा, हजरत तालिब को हजरत अब्बास ने मांगा। इस तरह करके घर का खर्चा चलता था। और ये मैं कहा करता हूं अक्सर तौर पर कि इस धरती पर कुछ लोग वो हैं जो नबुवत को देते रहे, कुछ लोग वो हैं जो नबी के घर से खाते रहे। वो भी शान वाला है जो नबी को देता रहा, और वो भी शान वाला है जिसको नबी के घर की रोटी नसीब हो गई, और ये हजरत अली के सिवा किसी को नसीब नहीं। 4 साल के थे हजरत अली जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए। हजरत खतीजा आ चुकी थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। हजरत खतीजा इनको नहलाती थी, हजरत खतीजा धुलाती थी, हजरत खतीजा कपड़े पहनाती थी। 4 साल का बच्चा हजरत अली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहे। और शायद तारीख इस्लाम में एक हजरत अली की हस्ती ऐसी मिलती है कि जिन्होंने अपनी बचपन की नजरों से नबूवत को देखा है और आखिरी नजर तक नबी को देखा। अगली निस्बत भी अजीब है, हजरत अली की अम्मा का नाम भी फातिमा है और हजरत अली की घरवाली का नाम भी, हजरत अली की 9 बीवियां थी, कितनी? हजरत अली के 15 बेटे थे, 18 बेटियां थी। तुम्हें तो इन जालमों ने सिर्फ 2 बेटों के नाम बता रखे हैं, कभी हमसे पूछो बैठो हम तुम्हें बताएं हजरत अली की औलाद कितनी थी। इसे मोहब्बत नहीं कहते कि आप 2 बेटों का नाम याद रखो और बाकी बेटों को भूल जाओ। हां इतनी बात जरूर है कि जब तक हजरत फातिमा हजरत अली के घर में रही दूसरी बीवी नहीं आई। हजरत फातिमा के जाने के बाद 8 बीवियां आई हजरत अली के घर में। और यह भी याद रखिएगा कि एक ही दफा नहीं आई, 4 से ज्यादा उम्मती को एक ही वक्त में घर में रखना गुनाह है। नबुवत का मसला अलग है, नबुवत का मर्तबा अलग होता है। उम्मती के लिए 4 से ज्यादा एक ही वक्त में रखना गुनाह है। बारी बारी आती रही। हजरत अली की अम्मा का नाम फातिमा है, मुसलमान थी। इनके अब्बा का नाम असद है, असद का माना शेर है। हजरत अली की अम्मा का नाम फातिमा बिनते असद है, अब्बा का नाम अबू तालिब। जोर से कहो, भूल जाते हो, अब्बा का नाम, अम्मा का नाम, अम्मा मुसलमान हुई, अब्बा मुसलमान नहीं हुए। बाज लोग ज़ईफ रिवायात पेश करते हैं हजरत अबी तालिब के ईमान की, लेकिन उन ज़ईफ रिवायात का कोई एतबार नहीं अल्लाह के कुरान की आयत के मुकाबले में, इसलिए कि अल्लाह के कुरान की एक आयत है जो हजरत अबी तालिब के ईमान के बारे में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकर कहा कि चाचा मेरे कान में कलमा पढ़ दे, तो वहां कुरान उतरा। कुरान की आयत उस पे गवाह है कि वो ईमान नहीं लाए लेकिन अम्मा ईमान लाई। हजरत अली का नाम अम्मा ने असद रखा कि मैं अपने अब्बा के नाम पर अपने बेटे का नाम रखूं। और दूसरा नाम भी अम्मा ने हैदर रखा। हैदर का माना भी शेर होता है। एक शेर वो होता है जो पहले हमला करता है, उस शेर को हैदर कहा जाता है, और जो शेर हमला आवर के हमला होने के बाद हमला करता है उसको असद कहा जाता है। शायद इसलिए शेरों की भी आजकल जंगलों में भी कई किस्में हैं। एक बबर शेर होता है, एक दूसरा शेर होता है, कई किस्में हैं। जिस तरह चीतों की कई किस्में हैं, शेरों की भी कई किस्में हैं। मानों के अंदर भी फर्क होता। अम्मा ने नाम रखा असद, अम्मा ने नाम रखा हैदर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब आए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज के बाद अपना नाम अली रखो, आज के बाद अपना नाम अली रखो। इसलिए कि हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। हजरत अली के घर में हजरत हसन पैदा हुए। आपको अजीब तारीख सुनाता हूं।
हजरत अली ने उनका नाम रखा हर्ब, हर्ब का माना लड़ाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या नाम रखा, कहा जी हर्ब। हुजूर ने रखा, कहा मैंने हसन रखा। हर्ब लड़ाई का माना है अली, क्या हमारे घरों में लड़ाइयां होनी है, हसन हमें कबूल है। हजरत हुसैन पैदा हुए, हजरत अली ने फिर उनका नाम भी हर्ब रखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इसका क्या नाम रखा, कहा हर्ब। कहा अली मैंने इसका नाम हुसैन रखा। सब कहते रज़ी अल्लाह हो ताला। हमें हर्ब पसंद नहीं, हम लड़ाई वाले नबी नहीं है, ना हम चाहते हैं कि हमारे घरों में ऐसे नाम आए अली। आज के बाद तेरा नाम अली। हांगकांग वालों में जब तारीख इस्लाम का मुतालिया करता हूं ना, तो कुछ खुशकिस्मत बच्चे लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनके नाम अल्लाह के नबी ने खुद रखे, और कुछ ऐसे मिलते हैं कि मां बाप ने नाम रखे थे लेकिन अल्लाह के पाक नबी ने बदल दिए, और कुछ नाम ऐसे मिलते हैं मां बाप ने रखे हालांकि माने गलत बनते हैं लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं बदले। और कहीं हमें फरमाया अगर मां बाप अच्छा नाम ना रखे तो बदल दो, और कहीं फरमाया कि मां बाप जैसा भी नाम रखे उसे कबूल कर लो, कहीं ये भी फरमाया। इसलिए मैं कभी कभी अपने मेहरबान से कहा करता हूं कि तेरा नाम परवेज अच्छा नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चों के नाम कभी परवेज नहीं रखा करो, नहीं रखना। मैं तुम्हें भी नसीहत करता हूं, ये अल्लाह के नबी का कौल है, बच्चों के नाम परवेज नहीं रखना। बोलो नहीं रखना परवेज नाम। क्यों? इसलिए कि दुनिया में परवेज नाम का एक ऐसा आदमी गुजरा है कि जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को दो टुकड़े नहीं, चार टुकड़े नहीं, सैकड़ों टुकड़े करके पैर के नीचे रखकर दबा के कहने लगा कि अगर आज मोहम्मद मेरे सामने होता तो जिस तरह मैंने खत के टुकड़े किए मैं उसके भी टुकड़े कर देता। लेकिन अब अगर किसी का मां बाप ने रख दिया है तो अगर वो बदल सकता है तो बदल ले, अगर नहीं रख सकता तो मां बाप के रखे हुए नाम को बदले नहीं। ये दोनों हदीसें मिल जाती हैं कि अगर बदल सकता है तो बदल दे, अगर नहीं बदल सकता तो ना बदले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज के बाद तेरा नाम अली। क्या? अली का माना बुलंद, उच्चा, शान वाला, मर्तबे वाला। आज के बाद तेरा नाम अली, इसलिए कि बेशक तू इतना है, 9 साल का होगा, 8 साल का होगा जब तू कलमा पढ़ेगा, लेकिन तेरे 8 साल की उम्र में भी खुदा तुझे इतना ऊंचा कर देगा, इतना मर्तबा देगा कि तेरे मर्तबे और शान का मुकाबला नहीं हो सके। और साथ ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दूसरा नाम तेरा मुर्तजा, दूसरा तेरा नाम मुर्तजा। या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? कहा चुनावा। जिस तरह आम के मौसम में आम के ठेले और रेड़ी दुकान पे जाकर आम चुनते हो ना, इसी तरह अल्लाह पाक भी बंदों को चुनता है। तू अल्लाह का भी चुनावा है, तू मेरा भी चुनावा है, तू मेरा भी चुनावा है, अल्लाह का भी चुनावा है। आज के बाद तेरे दो नाम हमारी जुबान में, एक अली और दूसरा मुर्तजा। और एक जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी कहा कि तेरा नाम असदुल्लाहिल गालिब, कि तू अल्लाह का शेर है, तू अल्लाह का शेर है। कोई मां का शेर है, कोई बाप का शेर है, कोई मोहल्ले का शेर है, कोई जंगल का शेर है, तू अल्लाह का शेर है। और इस अल्लाह के शेर के हाथों से मैदान बद्र में 9 काफिर सिर्फ हजरत अली के हाथों से मारे गए, मैदान उहद में 18 दुश्मन रसूल सिर्फ हजरत अली के हाथों से मारे गए, जंगे खंदक में अरब का सबसे बड़ा पहलवान हजरत अली के हाथों से मारा गया। और किताबों में आता है कि बाद जंगे ऐसी भी गुजरी कि एक एक दिन में हजरत अली के हाथों में 9-9 तलवारें टूटी, 9-9 तलवारें टूटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असदुल्लाहिल गालिब, तू अल्लाह का शेर है।
कभी आप तारीख इस्लाम को पढ़ें, जब जंगे बदर हुई, पुराने जमानों में जंगे ऐसे नहीं होती थी जैसे आज है, बम मारा तो चले गए, मिसाइल मारा तो चले गए, नहीं। जब मैदान कारजार गर्म होता था, फौजें मुकाबले में खड़ी होती थी, पहले उधर से एक पहलवान निकलता था, एक पहलवान इधर से निकलता था, आपस में लड़ो, तीन चार जोड़ इस तरह होते थे, उसके बाद फिर आपस में लड़ाई होती थी। पहले तोला जाता था किस जमात का पहलवान वजनी है। जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग है। जब जंगे बदर का मैदान लगा, दोनों फौजों आमने सामने हुई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया मक्के वालों की तरफ से, हमारी तरफ से ये शैबा निकला है तुम्हारे पास को पहलवान निकालो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को निकाला। ये पहला पहलवान है इस्लाम की तारीख का जो दुश्मन के मुकाबले में आया। शैबा निकला तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सक्का चाचा हमीरे हमजा को निकाला। तीसरा पहलवान निकला तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा को निकाला। हजरत अली ने भी दुश्मन को तलवार मारकर गर्दन काट दी, हजरत हमजा ने भी अपने दुश्मन को मार डाला, और हजरत अबू उबैदा अभी अपने दुश्मन से बरसरे पैकार थे कि हजरत अली अपने दुश्मन को मारकर तलवार उठाकर आकर इस दुश्मन को भी गर्दन को उड़ाया, फिर फौजें आपस में लड़ी। असदुल्लाहिल गालिब, तू अल्लाह का वो शेर है कि जिसको कभी कोई मगलूब नहीं कर सकता, तू हमेशा जीतता रहेगा, इसलिए कि तेरा नाम अली है। अली का नाम बुलंद मर्तबे वाला, शान वाला। हम अहले सुन्नत वल जमात इस पर फख्र करते हैं। लोग हमें कहते हैं ये हजरत अली को नहीं मानते। मैं अगर हजरत अली को नहीं मानता तो काफिर हूं, इसलिए कि दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं जो ईमान का दावा भी करता हो और कहे मैं हजरत अली को नहीं मानता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हजरत अली से कहा, अली मैं जब तुझे देखता हूं तो तेरे बारे में मुझे डर लगता। आका क्या डर लगता? कहा तेरे बारे में तीन जमाते होंगी, तेरे बारे में तीन पार्टियां बनेंगी, एक पार्टी तुझे खुदा कहेगी, जिस तेरे लोगों ने हजरत ईसा को खुदा माना, एक पार्टी तुझे काफिर कहेगी कि जिस तरह यहूदियों ने हजरत ईसा को काफिर माना, एक जमात होगी जो तुझे उसी तरह मानेगी जिस तरह खुदा कहेगा, जिस तरह मुस्तफा कहेगा। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना हम हजरत अली को खुदा मानते हैं। दुनिया में लोग हैं जो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अली हैं लोग, वो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते, वो कहते हैं हजरत अली ही अल्लाह है, जिस तरह लोगों ने हजरत ईसा को खुदा माना। और कुछ लोग आज भी दुनिया में हैं जो हजरत अली को काफिर कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हैं आपके मुल्क में भी, कई जगह है धरती में जो हजरत अली को मुसलमान नहीं कहते। नऊज़ुबिल्लाह हजरत अली का नाम लिखकर अपनी जूती में रखना वो सवाब समझते हैं, वो कहते हैं हजरत अली काफिर थे। इनको खारजी कहा जाता है, इनको, जोर से कहो, इनको जो हजरत अली को काफिर कहते हैं ये खारजी हैं, और जो हजरत अली को खुदा कहते हैं वो राफजी हैं, और जो हजरत अली को सहाबी रसूल शेर खुदा अली उल मुर्तजा असदुल्लाह गालिब फातिमा का घर वाला हसनैन के अब्बा मानते हैं, उनका नाम अहले सुन्नत वल जमात है। हम वो हैं जो हजरत अली को एक आंख वो हैं, एक आंख साहबा हैं। हम साहबा को छोड़ें तो अंधे बनते हैं, अहले बैत को छोड़ें तो दो अंधे बनते हैं। आइए कुरान की तरफ चलते हैं, 22वां सिपारा खोलिए, पहली आयत शुरू होती है वमई यकनुत, हाफिज साहबान बैठे होंगे, शुरू होता 22वां सिपारा वमई यकनुत मिन कुन लिल्लाहि व रसूले, आयत पीछे से शुरू होती 21वें सिपारे के आखिर में, या अय्युहन नबियु कुल ले अज़वाजिक, यहां से अल्लाह पाक बात शुरू करता,
چلتے چلتے پھر آیت آتی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی گھر والیوں. بڑی عجیب آیت ہے، اللہ پاک قرآن میں اپنے نبیوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ کی قسم ہے ہانگ کانگ والوں، قرآن میں کیسی یہ آیت ملتی ہے جس میں اللہ پاک اپنے نبی کی گھر والیوں کو اپنی زبان میں مخاطب کرتا ہے، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی گھر والیوں، لستن کاحد من النساء، میں خدا اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہاری جیسی عورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ہی نہیں. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ، مجھے پتا ہے تم اللہ سے ڈرتی ہو، اس لیے کہ اگر ڈرنے والی تم نہ ہوتی تو میں چن کر تمہیں اپنے نبی کے گھر میں نہ لاتا. سارے جہان سے میں نے تمہیں چنا، جس طرح میں نے اپنے نبی کی ایک ایک چیز کو سارے جہان سے چن کے دیا. عورتیں بہت تھیں، اللہ کہتے ہیں میں نے جن کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن اس قابل تمہارے سوا کوئی نہیں تھی کہ جن کو میں اپنے نبی کے گھر بھیجتا. ہانگ کانگ والو، میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں نا، اللہ کی قسم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جن کا نام حضرت زینب ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نا، یہ تمہاری بھی اما ہے، میری بھی اما ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی اما ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں او تمہارے نکاح تمہارے گاؤں کے مولوی حضرات پڑھائیں، تمہاری بیٹیوں کے نکاح تمہارے پیر پڑھیں، تمہارے بیٹوں کے نکاح تمہارے علماء پڑھیں. او ہانگ کانگ والو، میرے نبی کی یہ بیوی ایسی ہے کہ جس کا نکاح بھی میں نے آسمان پہ بیٹھ کے خود پڑھا ہے. یہ قرآن ہے 22 سپارہ، کبھی گھر کھولو بیٹھ کے. حضرت زینب کہتی ہیں کہ اس دھرتی پر میں اگر ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں تو نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں وہ ہوں جس کا خطبہ نکاح بھی آسمان والے نے آسمان پہ بیٹھ کے خود پڑھا، اور اوپر سے پوچھتا ہے اے میرا نبی زینب تجھے قبول ہے؟ نبی کہتے ہیں قبول ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے نکاح کر دیا. آئے آئے آئے. کہو نا سبحان اللہ. اور ایک نکاح اور بھی ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں، کتنی؟ ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے، سب کہہ دو صلوات اللہ علیہن. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، یہ حضرت عثمان کی گھر والی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کو گئے ہوئے ہیں، جنگ بدر سے واپس آئے، مدینے کے قبرستان میں لوگوں کو کٹھے دیکھا، کسی کی قبر پہ مٹی ڈالنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے قبرستان تشریف لائے، اے میاں کس کو دفن کر رہے ہو؟ مدینے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی نہیں، یہ آپ کی بیٹی رقیہ ہے، سب کہہ دو رضی اللہ. مدینے والوں کو خبر بھی مل چکی تھی کہ نبی آنے والے ہیں، لیکن جنازہ روکا نہیں، دفن روکا نہیں، قبر روکی نہیں. او ہانگ کانگ والے، او کلمہ پڑھنے والوں، یہ تو ہماری رسمیں ہیں نا، چار دن کے بعد بیٹا ہانگ کانگ سے آئے گا تو اماں کی ابھی میت رہنے دو، پھر دفنائیں گے، منہ دیکھ لے کہ آنے سے زندہ کر لو گے. رسمیں ہیں، رواج ہیں، بن چکے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں کہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے. یہ کون ہیں؟ حضرت رقیہ ہیں. تھوڑے دن گزرے، عثمان ادھر آؤ. حضرت عثمان آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دوسری بیٹی کلثوم کا نکاح اللہ نے تیرے ساتھ کر دیا ہے، اس کو لے جا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہ دو نکاح مجھے ایسے ملتے ہیں جو اللہ نے پڑھائے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس،
اے میرے نبی کی گھر والیو، اللہ تمہیں پاک کرتا، اللہ تمہیں، واہ میرا اللہ، اللہ پاک کرتا ہے، اللہ پاک کرتا. یہ مرتبہ کس کو ملنا تھا؟ جب آتا ہے نا حدیث میں، اس آیت کے اترنے کے بعد جب اہل بیت، یہاں اہل بیت کا یہ ذکر چل رہا ہے قرآن، تو اہل بیت سے سب سے پہلے مراد تو گھر والی ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے، تو کیا مراد ہوتا ہے؟ جس کے بچے نہیں بھی ہوتے لوگ اس کو بھی کہتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے، بال بچیاں کا کیا حال ہے، چاہے بچے بھی نہ ہوں، لیکن پھر بھی گھر والی کو پہلے اہل بیت شمار کیا جاتا ہے. بیٹی جب تک میرے گھر میں ہے وہ میری اہل بیت ہے، جب اس کا نکاح ہو کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو وہ ان کی اہل بیت ہوتی ہے، میری اہل بیت نہیں ہوتی. یہی تو دھوکہ دیا جاتا ہے ہمیں. لیکن پھر بھی جب یہ آیت اتری تو حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ سے حدیث، یہ ام سلمہ بھی حضور کی گھر والی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ، یہ بھی میرے پاک نبی کی گھر والی. ابو سلمہ سے شادی تھی، ایک دن رات کو گھر میں سو کے اٹھی تو اپنے گھر والے کو کہتی ہے، میں نے رات خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں آ گیا. ابو سلمہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا صبح اٹھ کر جب خواب سنایا، کہا جا میں نے تجھے طلاق دی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبوت کا سورج سایہ تیری جھولی میں آنے والا، اب میں تجھے اپنے نکاح میں نہیں رکھتا، تو نبی کی گھر والی بننے والی. چنانچہ حضرت ام سلمہ عدت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی کہ جب یہ آیت اتری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کو لاؤ، علی کو لایا گیا. کہا میری فاطمہ کو لاؤ، فاطمہ کو لایا گیا. کہا میرے حسنین کریمین کو لاؤ، حضرت فاطمہ کو حضور نے اپنے بائیں طرف بٹھایا، حضرت علی کو دائیں طرف بٹھایا، حسن کو یہاں بٹھایا، حسین کو یہاں بٹھایا، اپنی یا ایھا المزمل والی چادر اتاری اور چادر ان چاروں پہ ڈال کر اللہ سے کہا اے میرا اللہ، ان کو بھی اہل بیت میں شمار کر لے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں دوڑی بھی گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، اللہ مجھے بھی یہ شان دے دے. تو حضور نے فرمایا ام سلمہ تیرا ذکر تو قرآن میں اللہ نے ویسے ہی کر دیا ہے نا، اس لیے کہ تو میری گھر والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی اہل بیت میں آ جائیں. ابھی اٹھے نہیں جبریل آیا، جبریل آ کے کہتا ہے ہانگ کانگ والوں، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی اہل بیت میں رکھ دیا، یہ بھی تیری اہل بیت ہے. ارے یہ نبی کی گھر والے ہیں، یہ وہ کشتی نوح ہیں کہ اگر میں ان سے پیار نہ کروں تو میری جنت جاتی ہے، میرا ایمان جاتا ہے. کس نے تمہیں سکھا دیا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو نہیں مانتے، وہ تو پرلے درجے کا کافر ہے. کہا علی تیرے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ جس طرح لوگ عیسیٰ کے بارے میں اختلافات میں پڑے، کسی نے عیسیٰ کو کافر کہا، وہ عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کو تیار ہو گیا، اور کوئی عیسیٰ کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور ایک میری امت میں طبقہ رہے گا، ایک جماعت میری امت میں رہے گی جو اس طریقے پہ چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. وہ کیا؟ کہ علی. سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. علی کرم اللہ وجہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرا دوست ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ میرے سے محبت کرتا ہے، جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ میرے سے دشمنی کرتا ہے. حضرت فاطمہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ، یہ وہ خاتون ہے جو جنت میں خواتین کی سردار ہے. 16 سال کی عمر کو پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی شادی کی فکر ہوئی. ہر باپ کو ہوتی ہے کہ بیٹی اپنی گھر والی ہو جائے. میں آج تمہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو کسی نے نہیں بتائی.
दोस्त भी वो होता है जो दोस्त की परेशानी में परेशान हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी परेशान है कि अल्लाह के पाक नबी की बेटी जवान हो गई, को अच्छा रिश्ता मैं भी देखूं उसके लिए। हजरत उमर भी देखते फिर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी देखते फिर रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी परेशान है, इसलिए कि हुजूर इन्हीं से कहा करते थे फातिमा जवान हो गई को अच्छा रिश्ता देखो। और ये सुन्नत है कि तुम भी अपने दोस्तों से कहा करो बेटी जवान हो जाए तो उसके लिए को अच्छा रिश्ता देखो, अच्छा लड़का देखो। ना नबी ने बेटी घर रखी, ना बादशाहों ने रखी, ना आपने रखनी, ना मैंने रखनी, नसीब में हो। अल्लाह हर बेटी वाले को अच्छा रिश्ता दे दे, आमीन कह दो। अल्लाह हर एक की बेटी की इज्जतों को सलामत रखे। बेटियां सबकी मुश्तरक होती हैं, कोई मुल्ला तुम्हें नहीं बताएगा। ये हजरत अली ने रिश्ता मांगा हजरत फातिमा का हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने से। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रास्ते में मिल गए, कहा अली बहुत दिनों से परेशान हूँ, हुजूर भी परेशान है, और मैं चाहता हूँ कि तेरा जोड़ फातिमा से बनता है, ऐसा कर तू अपनी जुबान से खुद जाकर रिश्ता मांग। ये भी सुन्नत है, बेटा भी रिश्ता मांग सकता है, लेकिन चूंकि अब्बा थे नहीं, अम्मा थी नहीं, वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, तू ऐसा कर मैं तेरे साथ चलूंगा, हम मिलके चलते हैं, तू बात करियो फिर आगे हम बात बढ़ाएंगे। हजरत अली हजरत फातिमा का निकाह मांगने आए, हाथ मांगने आए, रिश्ता मांगने आए हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने पर। कहा यार सुल्ला मुझे अबू बकर सिद्दीक ने भेजा, मैं फातिमा का रिश्ता मांगने आया हूं। नबूवत भी इंतजार में थी। हंसते हुए कहा अली तेरे से अच्छा मुझे कहां मिलेगा, चलो हमें कबूल है, लेकिन बात यह है कि हम पहले फातिमा से पूछ तो लें, हमें इनकार नहीं है, मैं तो इंतजार में था कि तू खुद आए। नबूवत मैं खुद भी तुझसे बात कर सकता था कि मैं तुझे कहूं, इसलिए कि तेरा मेरा रिश्ता बाप बेटे का है, लेकिन मैं क़यामत तक आने वाली उम्मत को एक सुन्नत देना चाहता था कि बाप अपनी जुबान से कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, और तुझसे अच्छा रिश्ता नहीं, मैं भी इंतजार में था, लेकिन पहली बात तो यह कि मैं उसके इंतजार में था कि जिब्रील आकर मुझे कहे कि अल्लाह क्या कहता है, और अल्लाह की शान है हुजूर कहते हैं कि जिब्रील ने भी अभी तेरे से पहले आकर मुझसे कहा कि अल्लाह कहते हैं अली को दे दो। मैं इसलिए कहा करता हूं नबूवत का कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। नबी ने रिश्ते दिए, नबी ने रिश्ते लिए अल्लाह के कहने से, अल्लाह के, जोर से बोलो अल्लाह के। इन्हें इन साड़ पे होया कि फलाने तू रिश्ता क्यों ले लिया, फलाने नु रिश्ता क्यों देता, तुसी बेईमान तुहानू की है भाई। नबूवत जाने, नबी का खुदा जाने, अबू सुफियान की बेटी ले ली, क्यों ली, अबू सुफियान से दुश्मनी है, इसलिए कि अबू सुफियान की बेटी अमीरे मुआविया की बहन है और अमीरे मुआविया यजीद का बाप है, असल कावड़े तो लग दिए लोगों के, एक तरफ हम अमीरे मुआविया को काफिर भी कहते हैं और दूसरी तरफ वो नबी का साला है। तुसी जितने बैठे हो ना नाराज ना होने, हमें अपने सके भाइयों से इतना प्यार नहीं होता जितना सालों से प्यार करते हो। साली अद्धी कराली ते साला अद्धा कराला, तुम्हें अपने सालों से प्यार है, नबी को अपने साले से प्यार नहीं होगा। तेरे साले को गाली दे तू तलवार उठा के बंदूक उठा के खड़ा है, तो नबी के साले को काफिर कहता रहे, तुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। जो खानदान में भेड़ा है उसे भेड़ा के, जो गंदा है यजीद उसे गंदा कह, मेरे मुआविया क्या क्या गुनाह है, उसका क्या कसूर है, सिर्फ इस वजह से कि वो यजीद का अब्बा है। अल्लाहुम्मा जालो हादियन व महदिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते हैं अल्लाह मेरे इस मुआविये को हादी भी बना महदी भी बना। तुसी जिसनु इमाम मेहदी मन लो वो आसमाना ते पहुंचे है, वड्डी शान है, ते जिस वास्ते अल्लाह का नबी दुआ मांगे अल्लाह इसको मेहदी बना वो काफिर है। कुछ तो सोचा करो, बेईमान जिनकी शक्लें सूरतें नहीं होती वो बैठकर हजरत मेरे मुआविया को काफिर कह रहे हो। हजरत उमर की बेटी हुजूर ने ली, ये भी लोगों को दुख है, हाय उमर भी हुजूर का सोरा बन गया, अल्लाह के नबी ने क्यों ली,
अल्लाह के नबी से जाके पूछो क्यों नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक यहूदी की बेटी आई, यहूदियों के खैबर का सरदार है वो, जंगे खैबर में कैदी बन के आई। जब कैदी तकसीम होने लगे तो वो खातून हजरत सलमान फारसी के हिस्से में आ गई कि सलमान ले जाओ ये तुम्हारी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कान में जाकर कहा, या रसूल अल्लाह ये वो है, ये वो है सरदार की, नवाब की, खैबर के वजीर आजम की बेटी है और आपने सलमान को दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान इधर आओ। सलमान आए, सर झुकाया, हुक्म हुआ अल्लाह के रसूल की तरफ से, हम इसके बदले में तुम्हें कोर देते हैं, ये सरदार की बेटी है, इसे छोड़ दो। पर्दे में बैठी है बीबी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ती है। कलमा पढ़ाने के बाद अल्लाह के सच्चे नबी कहते हैं उसको, अगर तू किसी और की बेटी होती तो मैं सलमान जैसे किसी और को भी दे देता, तू सरदार की बेटी है और इसमें मुझे अल्लाह का हुक्म आया है कि तेरा रिश्ता मेरे से हो ताकि खैबर के बचे खुचे यहूदी कलमा पढ़ ले, कोई मेरा साला बन जाए, कोई तेरा चाचा होगा, कोई तेरा मामा होगा, कोई तेरा दादा होगा, तेरे मसेर होंगे, पितरेर होंगे, फुफेर होंगे, मलवेर होंगे, तेरी वजह से कलमा पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ और खैबर के अंदर ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे उरूसी मनाते हैं और खैबर के अंदर ही सुबह वलीमा होता, खैबर में ही वलीमा हुआ और वो वलीमा तारीख इस्लाम में ऐसा मिलता है कोई देगे नहीं पकी। आप हजरात को आखिरी बात सुना दे, तो अजीब वलीमा है, तुम लोग वलीमा करते हो, शादी से पहले रोटी करते हो, शादी के बाद नहीं करते हो। ये इलाका अटक में तो रिवाज है, शादी से एक रात पहले पांच छह मजा को छोड़ो, ते कटवे पका छोड़ो तो सारे आके खा जामन। शादी के बाद मां बाप पर है ये सुन्नत है कि दूसरे दिन मां बाप वलीमा करे, दूसरे दिन शादी दावत हो, लोगों की रिवाज है। दूसरे दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया, जानते हो वलीमा क्या था? हर सहाबी से कहा तेरे पास जो कुछ खाना पीना है यहाँ ले आ जा, इकट्ठे बैठ के खाते हैं। कोई पनीर लाया, कोई शहद लाया, कोई दूध लाया, कोई दाल लाया, कोई चने लाया, कोई खजूर लाया, कोई छुआरे लाया, कोई किशमिश लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, दस्तरखान लगा दिया गया, कहो आज मिलकर खाते हैं, यही अल्लाह के पाक नबी का वलीमा। कोई कर्जे नहीं लिए, कोई उधार नहीं लिए, कोई देगे नहीं पकी, कोई कार्ड नहीं छपे। हाय हाय, काश हमारे अंदर भी ये सुन्नतें आ जाती। ये वलीमा था। इस नबी की शादी से अच्छी शादी भी दुनिया में कोई होगी? क्यों भाई कोई होगी कि नक कट गया सी हैं? बिरादरी नाराज हो गई, मेरा नाक नहीं रहेगा। तेरा नक पहले ही कोई नहीं, ते रहेगा ते की होया, ना रहेगा ते की होएगा। नाक तो उसी को होता है जिसके अंदर कलमा है, जिसके अंदर कलमा नहीं होता नाक ही नहीं, पावे डाउ चला लो। इज्जत कलमे में है, इज्जत नबी की सुन्नत में है, इज्जत नबी के तरीके में है, काफिर के तरीके में इज्जत नहीं होती, दुनियादारों और हिंदू के तरीके में बरकत नहीं होती, बरकत नबी के तरीके में होती है। सब कह दो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।